यूअर थॉट कि मैकेनिकल इंजीनियर्स की इंटर्नशिप कैसी होती है गे 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 गे। सारी मैकेनिकल इंजीनियर्स की इंटर्नशिप ऐसी नहीं होती है कुछ ऐसी भी होती है नमस्ते एवरीवन दिस इज़ आस्था चौहान एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ माय इंटर्नशिप सो लेट मी फर्स्ट टेल यू अबाउट द सीमेंस कंपनी सीमेंस एक जर्मन मल्टीनेशनल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी कंपनी है जो कि वर्ल्ड वाइड अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है आज के समय में सीमेंस एक लीडिंग कंपनी है जो कि एनर्जी हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिटीज़ के लिए डिजिटल सॉल्यूशंस इलेक्ट्रिफिकेशन ट्रांसपोर्टेशन ऑटोमेशन और स्मार्ट बिल्डिंग्स प्रोवाइड करती है सो so, मेरी इंटर्नशिप लगी थी सीमेंस वडोदरा में सीमेंस के पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी अवेलेबल है वडोदरा में सो बेसिकली सीमेंस वडोदरा कस्टमर की स्पेसिफिक नीड्स को समझ के उनके रिक्वायरमेंट्स को समझ के कस्टमाइज स्टीम टर्बाइंस प्रोवाइड करता है और मेरी इंटर्नशिप लगी थी सेल्स एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट में yes आई was also लाइक like mechanical इंजीनियर एंड सेल्स एंड proposal डिपार्टमेंट what the बट आई डोंट नो हाउ मेरे मेंटर्स जो मुझे असाइन हुए थे उन्हें मेरी शक्ल दे के पता चल गया था कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है सो जो उन्होंने मुझे समझाया वो मैं आपको समझाती हूँ थ्रू एन एग्जाम्पल सो लेट्स ए कि इंडिया में एक पावर प्लांट है जिसे अपना स्टीम टर्बाइन अपग्रेड कराना है सो वो सीमेंट्स के पास आया हेल्प लेने के लिए अब सीमेंस वडोदरा की सेल्स एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट की टीम उन कस्टमर्स की नीड्स को उनकी टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स को समझेगी और फिर इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टीम के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन डिजाइन करेगी उनके पावर प्लांट के रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग फॉर एग्जांपल पावर आउटपुट को इंक्रीज करके उनकी एमिशन को डिक्रीज़ करना एक्सेट्रा एक्सेट्रा इसके बाद सेल्स एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट एक टेक्निकल प्रपोजल प्रिपेयर करता है जिसमें वो प्रपोज सॉल्यूशन को आउटलाइन करता है एस्टिमेटेड कॉस्ट टाइमलाइंस और बाकी सारी रिलेवेंट डिटेल्स को इंक्लूड करता है और फिर वो पावर प्लांट के रिप्रेजेंटेटिव को प्रेजेंट किया जाता है और उनके टेक्निकल क्वेश्चंस का आंसर किया जाता है इंजन प्रपोजल एक्सेप्ट हो जाता है तो सेल्स एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट के मैकेनिकल इंजीनियर्स इंजीनियरिंग एंड मैनुफैक्चरिंग टीम के साथ मिलके पूरे के पूरे प्रोडक्शन और इंस्टॉलेशन प्रोसेस को ओवरसी करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा स्टीम टर्बाइन है वो अपनी हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा हो और जो पावर प्लांट के रिक्वायरमेंट्स है उसके अकॉर्डिंग अपनी परफॉर्मेंस एफिशिएंसी एक्सेक्टर एक्सेक्टर सब कुछ सारी रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हूँ सो so, ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल एंड आई होप इससे आपको समझ में आ गया होगा कि मैकेनिकल इंजीनियर्स ही क्यों नेडेड होते हैं अब अगर एक कॉमर्स स्टूडेंट है उसे टर्बाइन का टी तक नहीं पता है सो so, अगर पावर प्लांट ने बोला है कि हमें एफिशियंसी इतने से इतने बढ़ाने तो उसे नहीं पता कि क्या क्या चेंजेस

कंपनी का वो डिपार्टमेंट है जहाँ से पूरे के प्रोड प्रोजेक्ट का पूरे के पूरे प्रोसेस का इनिशिएशन होता है अगर हम पोटेंशियल कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करके प्रोजेक्ट ग्रैप कर पा रहे हैं उनका ट्रस्ट गेन कर पा रहे हैं और उसको अपने साथ कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए मेंटेन कर पा रहे हैं दैट मींस कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है दैट मींस सेल्स एंड प्रपोजल डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है सो नेक्स्ट थिंग इज़ टेक्निकल पार्ट ओबियसली मैंने स्टीम टर्बाइंस के बारे में पढ़ा टर्बाइंस के बारे में पढ़ा और ये तो हमारे सिलेबस में भी है प्लस कौन कौन से टूल्स यूज़ होते हैं सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं कैलकुलेशन के लिए एंड जो मेन पार्ट था वो था टेक्निकल प्रपोजल कैसे बनता है टेक्निकल प्रपोजल में हमारे सारी चीज़ें मेंशन होती हैं पूरे का पूरे पावर प्लांट का स्केच आउटलाइन होता है हमारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैकेनिकल कंपोनेंट्स सब कुछ आउटलाइन होता है एंड मैं आपको ये डिटेल में नहीं बता सकी ब, बता सकती बिकॉज इट इज़ अ इंटरनल पार्ट ऑफ द कंपनी सो नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स ऑब्वियसली इम्प्रूव हो जाती हैं क्योंकि ये देखो अलग अलग कस्टमर्स होते हैं अब उन सबको हैंडल करने का अलग तरीका होता है हो सकता है किसी को सिर्फ ऑफिशियली बात करना पसंद हो कि हमने कॉल मिलाया उनसे उनकी प्रॉब्लम पूछी उनको एक सॉल्यूशन बना के दे दिया और काम हो गया दैट्स इट कुछ कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं कि उनको थोड़ा फ्रेंडली नेचर चाहिए होता है हम पहले उनसे पूछेंगे कि आप कैसे हैं कैसे हैं क्या चल रहा है और फिर काम की बात पर आते हैं सो कस्टमर्स को आइडेंटिफाई करना कि उनका नेचर कैसा है और उनका ट्रस्ट गेन करना दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग सो नेक्स्ट इज़ निगोशियशन स्किल्स निगोशियशन स्किल्स काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाती हैं क्योंकि जो हमारे पास कस्टमर है उसको टेक्निकलिटीज़ का कोई भी अंदाज़ा नहीं है उन्हें नहीं पता कि अगर हम एक ये चेंज कर रहे हैं तो उसकी कॉस्ट इतनी चेंज होने वाली है सो so उनको अच्छे से उनकी लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके उनको इन्फ्लुएंस करना है कि हाँ जो हमने ये कॉस्ट रखी है ये बिल्कुल ठीक है नेक्स्ट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जब भी हमारे पास किसी कस्टमर का कॉल आ रहा है और वो अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो उसके रूट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर करना और उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करना इज द वेरी क्रिशियल पार्ट ऑफ द होल प्रोसेस अगर मान लीजिए टाइम से पहले उनकी एफिशिएंसी कम हो गई है एंड हमने गलत इंटरप्रेट करके कोई गलत सॉल्यूशन बता दिया देन दैट इज अवज लॉस फॉर दी कस्टमर्स ऑल्सो एंड फॉर दी कंपनी ऑल्सो नेक्स्ट इज़ इंटरपर्सनल स्किल्स हमारी इंटरपर्सनल स्किल्स दो डायरेक्शन से इम्प्रूव हो रही होती हैं एक होता है कस्टमर साइड एंड सेकेंड वन इज़ हमारी टीम वर्क देखिए कस्टमर से हम टाइम टू टाइम इंटरेक्ट कर रहे हैं सो so ऑब्वियसली वहाँ पे हम एक रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं अगेन उनका ट्रस्ट गेन कर रहे हैं एंड सेकेंड इज़ कि हम अपने टीम मेम्बर से कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं कैसे एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कंस्ट्रक्टिव वे में एक दूसरे से इंटरेक्ट करके कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट कराना सो इंटरपर्सनल स्किल्स बहुत अच्छी हो जाती हैं जब आप एक कम्युनिटी में या एक कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होते हैं नेक्स्ट इज अपडेट विद मार्केट आज के टाइम में ओवरऑल अपडेट रहना भी वैसे भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जैसे जैसे मार्केट चेंज हो रहा है हमारी स्ट्रेटजीज चेंज होती हैं एंड इसके अलावा मान लीजिए कहीं पे कोई नई इंडस्ट्री या फैक्ट्री एस्टेब्लिश हो रही है सो so, उनको टाइम से कांटेक्ट करना और उनको बताना कि हम ये ये सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं और वो प्रोजेक्ट ग्रैप कर लेना या फिर आप बोल सकते हैं कि फाइव इयर्स पहले किसी ने स्टीम टर्बाइन लगवाया था एंड उसकी एक्सपायरी डेट आने वाली है उसको टाइम से कॉन्टेक्ट कर देना ताकि हम उसको सर्विसेज या प्रोडक्ट प्रोवाइड कर सकें और प्रोजेक्ट हाथ में ले सके सो नेक्स्ट इज अडेप्टेबिलिटी देखो यार अगर मैं बात राइट नाउ आई एम स्टडिंग इन एचबीटी कानपुर उत्तर प्रदेश और हम इंटर्नशिप करने गए थे गुजरात वडोदरा अगर मैं बात करूं कि हम ट्रेन में बैठे बैठे अगर विंडो से बाहर देख रहे हैं तो भी जियोग्राफिकली बहुत ज्यादा चेंज दिख जाता है लाइक like, कभी आपको रिवर्स दिख जाएंगे कभी आपको माउंटेंस दिख जाएंगे और कभी एकदम से आपको ऐसे पूरी बंजर जमीन दिख जाएगी कि दूर दूर तक कोई रहने वाला दिख ही नहीं रहा है एंड यार आर देट वॉज ऑल्सो अमेजिंग तो उत्तर प्रदेश से गुजरात में कल्चर डिफरेंस तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा आ जाता है लैंग्वेज बैरियर भी आ जाता है एंड वहाँ के फूड में भी जो टेस्ट है वो चेंज है वो हमारे जैसे नहीं है और अगर मैं बात करूँ विद इन द कंपनी सो कंपनी में हम ऐसे लोगों से मिल रहे थे जिनके बीच में बहुत ज़्यादा एज डिफरेंस है मतलब हमारी एज में और उनकी एज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नॉट विद रेस्पेक्ट टू ओनली एज अगर मैं एक्सपीरियंस की भी बात करूँ तो एक्सपीरियंस में भी बहुत ज़्यादा चेंज है सो so, उनको सुनने में उनके परस्पेक्टिव को सुनने में जानने में वी व लाइक वाओ एंड ऑनेस्टली डेट वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट ऑफ द होल जर्नी कि इतना कुछ सीखने के लिए मिल रहा है उनके एक्सपीरियंस से एंड यार सच में मतलब सुनने में ऐसा लगता था कि वाह ऐसा भी हो सकता है क्या सो दैट वॉज इट एंड ऑबियसली टेक्निकल टीज तो हमने सीखी है सो so, अब अगर मैं बात करूँ सीमेंस के वर्क कल्चर की सो so, वो जर्मन कल्चर को फॉलो करता है एंड अगर आई डोंट वॉन्ट टू नेम मैं किसी को किसी की बुराई नहीं करना चाहती हूँ बट अगर हम इंडिया में देखें तो छोटे छोटे ऑर्गेनाइजेशंस में भी पॉलिटिक्स देखने को मिल जाती है कि एक दूसरे की टांग पकड़ के खींच रहे हैं। बट यार वहाँ पे कुछ ऐसा नहीं था वहाँ पे जो मुझे बहुत सुंदर चीज़ लगी वो यही थी कि सब लोग एज अ टीम काम करते हैं सिर्फ विद इन अ डिपार्टमेंट नहीं बल्कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट के साथ भी एज अ टीम काम करता है पूरी की पूरी कंपनी का, का सिर्फ एक ही सिंगल गोल होता है कि कैसे प्रॉफिट लिया जाए सो दैट वॉज एड यार ये तो कुछ मोटी मोटी स्किल्स मैंने आपको बता दी हैं बट इसके अलावा मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है जो सिर्फ मुझे अपनी प्रोफेशनल लाइफ में नहीं पर्सनल लाइफ में भी हेल्प करती हैं सो so, यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है जब आप एक जगह से उठकर दूसरी जगह जाते हैं नए लोगों से मिलते हैं नई चीज़ें सीखते हैं और एक नए वर्क कल्चर को भी एक्सपीरियंस करते हैं बहुत ही अच्छी जर्नी थी और इसके अलावा जब मेरे वहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी मेमोरीज हैं न्यू फ्रेंड्स बनाए थे एंड इसके अलावा यार मैनेजमेंट uh, काफ़ी अच्छे से सीखा लाइक जो कंपनी से मुझे टास्क मिल रहे हैं उनको मेनटेन करना और प्लस जो मुझे करना है उसको मेनटेन करना थोड़ी सी एकेडमी भी मेंटेन करना लाइक like पूरा वही वाला सीन था नाइन टू फाइव एंड उसके बाद भी अपना मेंटेन करना एनर्जी लेवल मेंटेन करके रखना कि आप डाउन फील ना कर ताकि आपका कुछ लॉस ना हो जाए सो so, ओवरऑल मिला के बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था और जो मेरी मेमोरीज़ हैं मैंने उनको छोटी-छोटी क्लिप्स में बना रखा है so, सो मैं उसका एक व्लॉग बनाकर भी डाल दूंगी एंड इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्वेरीज हैं कोई भी क्वेश्चन है आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं आई विल डेफिनेटली आंसर दैट एंड तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टाटा बाय बाय हाँ अ गुड डे